हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नयन और आप लोग देख रहे हैं आरुति कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब नोटिस लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज का नोटिस है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार जॉब नोटिस निकला है। अगर आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो जरूर इसमें अप्लाई कीजिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट कब है, आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों का फीस कितना चाहिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को शेष तक देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए एक जॉब अपडेट्स इस चैनल में जरूर लाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर रखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी जॉब नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, आप लोग गूगल में सर्च करना पड़ेगा इसको लिख के ACCLTD.com। इसको लेकर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग इसी 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 जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। आने के बाद आप लोग करियर में आ जाइए। और आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी लिंक को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसी जॉब नोटिस में आप लोग आ सकते हैं डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें देख सकते हैं करियर बोल के ऑप्शन है। इसमें आने के बाद आप लोग क्या करेंगे, नीचे आने के आएंगे तो इसमें देख सकते हैं जो पहला जो नोटिस है इसको आप लोगों को देखना है। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को देख रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जो PDF है, PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग इसमें क्लिक कीजिए। एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे, अगर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा तो आप लोगों को इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है फ्रेंड्स। और आप लोगों का जो उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फी चालान भी डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप लोग इसमें फीस भरना चाहते हैं तो। उसके बाद आप लोग इसमें, मैं अभी आप लोग को एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके दिखाता हूँ आप लोगों का जो फॉर्म है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा पोस्ट में रिकमेंड हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों का देख सकते हैं जो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, COPA और आप लोगों का सीविंग टेक्नोलॉजी का जो रिक्रूटमेंट जो इसमें हो रहा है। इसमें जो इसका जो ड्यूरेशन है 2 ईयर्स का ड्यूरेशन है, आप लोगों का सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं टोटल 206 सीट्स है। इसमें आप लोग क्वालिफिकेशन मांग रहा है आप लोगों का मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप लोगों का 10+2 से, आप लोगों का कैंडिडेट शुड हैव 10 पास अंडर 10+2 सिस्टम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और रिकॉग्नाइज इन बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और सीविंग, आप लोगों का सीविंग टेक्नोलॉजी की एंड 8th क्लास एग्जामिनेशन पास होना पड़ेगा। इसके साथ आप लोग का बोल रहे हैं कि जैसे सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th क्लास एग्जामिनेशन पास अंडर द 10+2 सिस्टम इन इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। आप लोगों का जो 10th क्लास में आप लोग का जो मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं कि सीविंग टेक्नोलॉजी टेलरिंग एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ वेल्डर और सीविंग टेक्नोलॉजी टेलरिंग ट्रेड शुड बी 8th क्लास पास रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ काउंसिल, उसके अकॉर्डिंग आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा नीचे आ जाइए। आने के बाद आप लोग देख सकते हैं ओपन डाउन काउंसिलिंग होगा। इसमें आप लोगों को काउंसलिंग की प्रोसेस के माध्यम से आप लोगों का रिकमेंड हो जाएगा, मतलब आप लोगों को काउंसलिंग में आप लोगों का शेड्यूल दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो शेड्यूल्ड है वो होगा आप लोगों का जो 7/9/2021 टू 9/9/2021 ओपन डाउन काउंसलिंग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के इसमें ओपन डाउन काउंसलिंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। आप लोग का ओपन डाउन काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस बोल रहा है इसमें आप लोगों को इसी प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लोगों के इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके उसी टाइम ही आप लोगों को इसको जो आप लोगों का जो इसमें बोल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों का जो आप लोगों का चालान जो है इसको आप लोगों के साथ में ले जाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इसमें लगे तो प्रोसेस पर सीनियरिटी भी आप लोगों को इसमें दिखा जाएगा, वेटेज, एज लिमिट, रिजर्वेशन सब कुछ इसमें दिखा जाएगा। आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ीस जो है 750 है। और उसके बाद आप लोगों का इसमें आप लोगों का जो बोल रहा है कि एडमिशन फीस स्ट्रक्चर जो है इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें एडमिशन फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, आप लोग इसमें देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो आप लोग मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस चार्ज ट्रेनी, आप लोगों का जो आप लोग इसमें अप्लाई जो करेंगे उसके बाद आप लोगों का जो डिपॉजिट करना पड़ेगा फीस के बारे में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोगों को इसमें फीस जो है देना पड़ेगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन बोल के भी कुछ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में इसमें डिटेल्स में दिया है। और उसके बाद काउंसलिंग की प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें नीचे दिया है, काउंसलिंग के टाइम पर आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट्स को ले जाना पड़ेगा।
और भी कुछ डिटेल्स इसमें है कि आप लोग का नोट पुल कर दिया है, आप लोग इस पर देख लीजिए। और उसको वेरीफिकेशन एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स पे इसमें दिया है। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसी को आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों का बोल रहा है कि जून महीने की 25 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म जो है अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों का एप्लीकेशन जो आप लोग फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2021, इस जुलाई महीने की 31 तारीख तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट जो है इसमें बोल दिया है। उसके बाद आप लोग और भी कुछ डिटेल्स बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट देने की जो डेट जो बोल रहा है कि अगस्त महीने की 16 अगस्त को आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग का डेट भी दिया जाएगा 23 अगस्त 2021 तारीख को आप लोगों का जो काउंसलिंग की डेट दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट जो होगा वो 27 अगस्त आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट फॉर सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है आप लोगों का 31 अगस्त 2021। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ ओपन डाउन काउंसलिंग, उसके बाद आप लोगों का ओपन डाउन काउंसलिंग होगा उसका डेट भी इसमें दिया है कि आप लोगों का सेप्टेम्बर महीने की आप लोगों का जो 3 तारीख है उसी डेट में आप लोगों का ओपन डाउन काउंसलिंग भी इसमें हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट फॉर ओपन डाउन काउंसलिंग का जो है रिमेन वैकेंट होने के बाद ही आप लोगों का ओपन डाउन काउंसलिंग में आप लोगों का बुला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के लेटेस्ट जॉब नोटिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर इस नोटिस के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मुझे छूट गया है तो मतलब मैं बोलना भूल गया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूँगा। तो आप लोग भी इस तरह की लेटेस्ट जॉब नोटिस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं हर रोज़ शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए एक जॉब अपडेट इस चैनल में जोड़ रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।